पटना में नीट पेपर लीक मामले में अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है और सभी को सबूतों के साथ पटना दफ्तर बुलाया गया। ये सभी छात्र बिहार के अलग अलग जिलों के हैं, अलग अलग हिस्सों से हैं। पुलिस को सॉल्वर गिरोह के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले हैं और इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओयू ने एनटीए को इस बारे में चिट्ठी लिखकर सभी की जानकारी मांगी थी। अब एनटीए ने सभी 9 छात्रों के मोबाइल नंबर और पता भेजा है, उसके बाद सभी को नोटिस थमाया गया। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। पटना में नीट पेपर लीक मामले में अब ईओयू का एक्शन देखने को मिल रहा है इस भारी हंगामे के बाद। लेकिन सवाल वही कि फिर क्लीन चिट कैसे दे दी गई थी एनटीए की तरफ से भी और मंत्री जी की तरफ से, उसको लेकर विपक्ष ने घेरा था और विरोध प्रदर्शन छात्र भी कर रहे हैं, अभिभावक भी कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने छात्रों से और अभिभावकों से मुलाकात कर दिल्ली में उनको भरोसा दिलाया है कि सब कुछ ठीक होगा और कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। अब तक जो एक्शन हुआ है उसमें 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए, एनटीए से जानकारी मांगी गई थी। पटना में नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का अब एक्शन देखने को मिल रहा है। इधर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, उधर गुजरात में भी और गोधरा में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है। और सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या पेपर लीक हुआ, इससे इनकार किया एनटीए ने और मंत्री ने, लेकिन अब जांच भी चल रही है और सवाल तो खड़े हो रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रतिक्रिया, सुनवाते हैं। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि एफआईआर हुई है पटना में और एविडेंसेस हैं, जिन एविडेंसेस के अंदर एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हुआ है, एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा लगता है वीसीएस है। ये हम सिर्फ डाउट पे नहीं कह रहे, हमारे पास एविडेंसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उनसे ये पता लगता है कि पेपर लीक हुआ, इरेगुलरिटी हुई। और जो झज्जर वाला एग्जाम्पल है जहां पर 62 से 79 तक कैंडिडेट्स एक साथ बैठे थे और उन्होंने टॉप किया, ये अपने आप में बताता है कि पूरा एग्जामिनेशन वीसीएस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एसआईटी का गठन होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमने अपनी पिटीशन में की है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इवन जो मेरा जो मेरे जो पिटीशनर है, क्लाइंट्स हैं आर्यन त्यागी, उनके 643 मार्क्स हैं लेकिन उनकी जो रैंक है आज वही 38,000 के लगभग है। गुजरात का एक स्कूल है जय जलाराम स्कूल, जिस सेंटर पर वहां के सुपरिंटेंडेंट को, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वहां पर उन लोगों ने बहुत सारी इरेगुलरिटीज की थी। तो ऐसा लगता है कि एक पिरामिड की तरह है जहां ऊपर से नीचे तक पूरा मामला। यस सर, यस सर, यस सर। आपका अभी कितना रैंक है और अगर ग्रेस मार्क नहीं मिलते तो क्या रैंक होता? सर अभी तो रैंक 35,980 है और अगर ये ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को भी हटाते हैं तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 200 या 300 बस फर्क पड़ेगा। कि हजार हजार किलोमीटर दूर से बच्चे पेपर देने हरियाणा में आया, जहां 720 में 720 आया, मतलब वो बच्चे इतनी दूर क्यों आए हैं? अगर उनको उनको वहीं अपने यहाँ सेंटर नहीं भर सकते थे, क्या वो 1,000 किलोमीटर दूर पेपर देने क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो वहां मिला होगा ना कि हमें यहाँ कुछ फायदा रहेगा, इसलिए तो वो 1,000 किलोमीटर दूर चल चल के पेपर देने आए हैं ना। तो पटना से गोधरा तक इस पूरे मामले पर एक्शन देखने को मिल रहा है अब। चलिए इसको जरा समझते हैं और अपने दो सहयोगियों को जोड़ते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और पटना से आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले पटना में क्या हलचल है इसको लेकर हम समझ लेते हैं, आदित्य वैभव का रुख करते हैं। आदित्य, अभी तक क्या एक्शन है, क्या क्योंकि ये जो खलबली मची है उसमें क्या सच्चाई, कितने सबूत मिले, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, सब कुछ डिटेल आप दर्शकों के सामने रखें। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए गिरफ्तारियों और सबूत की, तो पटना वो जगह है जहां नीट मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और प्रॉपर सबूत भी मिले हैं। आपको बताएं कि पटना वही जगह है जहां इस पूरे मामले पर सबसे पहली उंगली उठी थी और पहली अरेस्ट पटना में ही की गई थी। आपको बताएं कि यहां जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ था, 4 अभ्यर्थी पकड़े गए थे, इसके अलावा 9 अभ्यर्थी जो और बाकी हैं उनके बारे में जानकारी ईओयू से साझा कर दी है एनटीए ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ईओयू के पास जले हुए प्रश्न पत्र के नमूने हैं और ईओयू ने बार बार इस बात की मांग की है कि उसे क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस दिया जाना चाहिए, जिसके साथ एक मिलान करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इस बात को क्लियर किया जा सके कि जो प्रश्न पत्र के अधजले टुकड़े बरामद हुए हैं पटना में, क्या वो सचमुच उसी क्वेश्चन पेपर के हैं जो नीट की परीक्षा के लिए बना था। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन पटना में चल रही है आशुतोष, उसका आप कह सकते हैं कि गिरोह को पकड़ने और संगठित अपराध की तरफ अब तक इशारा हो रहा है साफ तौर पर। आपको यह भी बताएं कि इस गिरोह के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई TRE3 परीक्षा को लीक कराने में, उस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने के मामले में जेल जा चुके हैं, जो नीतीश कुमार नाम का
आरोपित है वो ऐसा आरोपित है जिसकी इन्वॉल्वमेंट इन दोनों क्वेश्चन पेपर लीक्स में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 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 चीजें सामने आ रही हैं उससे ये बात तो साफ है कि सिर्फ नीट नहीं बल्कि ये जो गिरोह था संगठित अपराध की तरह से काम करता था और साफ तौर पर इसके बिल्कुल एक्शन होना जरूरी है क्योंकि लाखों जो छात्र हैं उनके भविष्य का यह सवाल है। आपको गोधरा में पकड़ी गई नीट धांधली की खबर बताते हैं विस्तार से। देखिए गुजरात के गोधरा में खास परीक्षा केंद्र जय जलाराम स्कूल है और एक ऐसा यह केंद्र था जहां धांधली के तहत ओडिशा कर्नाटक और झारखंड से छात्र परीक्षा देने आए और इसका खुलासा तब होता है जब गोधरा के कलेक्टर के आदेश पर जांच होती है और इस धांधली का पर्दाफाश हुआ है और अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोधरा केस फाइल है ये। अब जरा समझिए इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अब पुलिस शिकायत के मुताबिक जिला कलेक्टर को जानकारी मिली थी कि 5 मई को होने वाली नीट की परीक्षा में घोटाला होने वाला है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को गोधरा के जय जलाराम स्कूल पहुंचने को कहा। अब नीट की परीक्षा के दिन जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर डेप्यूटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट के मोबाइल की जांच की और फोन से मिले व्हाट्सएप चैट से पूरे मामले का भंडाफोड़ होता है। भूगोल के शिक्षक और सेंटर के डेप्यूटी तुषार भट्ट के मोबाइल से कुछ परीक्षार्थियों के नाम भी मिलते हैं। ये नाम परशुराम रॉय नाम के शख्स ने भेजे थे। कुल 16 नाम थे जिनमें से कुछ के सामने कैंसिल लिखा हुआ था। तुषार भट्ट की पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि परशुराम से उसकी डील हुई थी। उम्मीदवारों को अच्छे नंबर से पास करवाने के लिए 10 लाख रुपए तय हुए थे और छात्रों से कहा गया था कि उन्हें जितना आता हो उतने ही जवाब भरने हैं, बाकी सवाल खाली छोड़ने थे। उनकी ओमेआर शीट को तुषार भट्ट सील करने से पहले भर देगा। परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहां से काफी मटेरियल मिला था, उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2.30 करोड़ के भरे हुए चेक भी वहां से मिले हुए थे। ये जितने भी चेक्स मिले हैं वो जो एक पहले लिस्ट मिला हुआ था उसमें कुछ बच्चों के नंबर से उनके और दूसरे भी जो भी मिले हैं ये चेक ये बच्चों के भी उसमें से चेक्स है, उनके पेरेंट्स के भी चेक्स है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो बच्चे ये चीटिंग के लिए इन्होंने तैयार किए थे उनके चेक्स इसमें है तो ये उनके लिए थे, ये हम बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए ब्रजेश दोषी अहमदाबाद से गुजरात से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, फिर भी एनटीए कह रहा था कि गड़बड़ी तो हुई नहीं है, फिर ये सब कुछ सामने कैसे आ रहा है? पुलिस खुद कह रही है कितनी गिरफ्तारी हुई, क्या एक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ बताइए। देखिए आशुतोष, जो ये गोधरा का मामला है वो परीक्षा जिस दिन थी उसी दिन सामने आया था और पुलिस ने एफआईआर जो है वो 2 दिन बाद किया था क्योंकि जो जिला कलेक्टर थे उनके पास ये पूरी जानकारी आई थी। जब प्राइमरी जांच हुई थी तब जो नाम थे वो 15 ही नाम थे, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई नाम खुलते गए। कुल 30 छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं जिन्होंने जो है वो संपर्क किया था। 30 छात्रों के जो है वो चेक मिले हैं, ब्लैंक चेक और साथ ही कुछ भरे हुए चेक 2.30 करोड़ के जो चेक है वो मिले हैं। उसके अलावा जो है ये छात्र जो है गुजरात के नहीं थे, बाहर से आए थे, तो बाहर से उनको ये सेंटर कैसे मिला? अब जो जांच चल रही है कि इन छात्रों का पर्टिकुलरली इस सेंटर को सिलेक्ट करने की वजह क्या थी, क्यों ये छात्र यहाँ पे आए थे, तो वही चीज जो है पुलिस ने अब एनटीए से मांगी है कि ये सेंटर कैसे सिलेक्ट हुआ, इस सेंटर का जो स्टाफ है वो स्टाफ कैसे सिलेक्ट हुआ, क्या इनको पता था कि ये पहले से चल रहा है, क्योंकि अगर पता नहीं होता तो इन लोगों ने संपर्क कैसे किया। जो रॉय ओवरसीज है कंसल्टेंसी है, जो ओवरसीज कंसल्टेंसी जिसका मालिक परशुत्तम रॉय है और वो परशुत्तम रॉय से जो है वो परशुराम रॉय है उससे जो है वो तुषार भट्ट कनेक्टेड है, तो तुषार भट्ट और परशुराम रॉय इन दोनों के पास जो है छात्र ऐसे ही कैसे पहुंचे, क्या उनको पहले पता था कि ये लोग जो है धांधली करवाते हैं, क्या इससे पहले भी धांधली हुई है या फिर ये पूरा गिरोह है, इन सारी चीजों पर जो है पुलिस जांच कर रही है। और अभी जो पूरी जांच टिकी है वो एनटीए पर टिकी है, एनटीए का जवाब आएगा। एनटीए ने अभी कुछ छात्रों की जानकारी दी है, पर ये जो प्रोसेस है कि ये सेंटर कैसे सिलेक्ट किया इन छात्रों ने और ये स्टाफ जो है जिसकी इसमें शामिल गिरी थी, प्रिंसिपल भी स्कूल का जो था सेंटर का वो भी इसमें शामिल था तुषार भट्ट के साथ, तो ये जो पूरा मामला है उस पर पुलिस अभी जांच कर रही है और एनटीए के जवाब के बाद जो है सारी स्थिति स्पष्ट होगी।
ब्रजेश आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए, और हमारे सहयोगी आदित्य भी जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। हालांकि सरकार ने पहले ही रुख साफ कर दिया है कि अगर मामले में धांधली हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो मोदी सरकार के उन चुनिंदा मंत्रियों में से हैं जिनको सरकार में दोबारा से दायित्व भी दिया गया, और धर्मेंद्र प्रधान जी का ओडिशा सरकार बनने में भी बहुत बड़ा जो है रोल रहा है सर। लेकिन अब आप वापस आए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री, पहले से आप देख रहे थे और पहले से ज्यादा आक्रामक इस वक्त बच्चे और विपक्ष नीट को लेकर दिख रही है। दो अलग अलग बातें, हम बच्चों के साथ पूरा है, बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं आज भी कुछ बच्चों को जो जिनके मन में उत्कंठा और एंजाइटी है उनको मिला, उनके अभिभावकों को मिला, उनकी विषय को समझने का कोशिश किया। 23,33,000 विद्यार्थी इस बार परीक्षा दिए थे, रिकॉर्ड है। 4,750 सेंटर बने, 13 भाषा में परीक्षा हुई, 14 विदेश की सेंटर में भी परीक्षा हुई, बड़े सफलता के साथ परीक्षा हुई। पहले तो ध्यान में आया कि 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण कुछ अनामोलिस ध्यान में आया, उनके लिए ग्रेस मार्क एक सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला को अपनाया गया। एनटीए ने कोई अपने से नहीं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की क्लाट की परीक्षा के मामले में मॉडल था, लेकिन उसमें भी कुछ विद्यार्थियों के मन में आया कि इसके कारण कुछ लोगों को शायद नाजायज फायदा मिल रहा है, उसको भी रद्द किया गया। फिर एक नया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि उनको उन 1563 बच्चों को जिन्होंने आपत्ति किया था कि मेरे को कम समय मिला जो कोर्ट तक आए थे, उनको एक बार परीक्षा देने के अवसर दे दो, वो अवसर को यूज करें, नहीं तो उनकी जो पुराना परीक्षा था उनको यूज करें, उनके विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करें, पुराने में रह सकते हैं, नहीं तो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं, एक परीक्षा के नंबर गिना जाएगा, परीक्षा देंगे तब जाके नया नंबर को गिना जाएगा, नहीं तो पुराना नंबर है, ये उस विद्यार्थी के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये सारे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एंड्रोस किया है उसको, हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसमें मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार उनकी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। सर, जो विपक्ष का आप पे लगातार आक्रमण हो रहा है, कुंठित हो गए हैं ना, लगातार तीसरी बार हारने के कारण कुंठित हो गए हैं, इसलिए उनको अपना काम करने दो, हम तो विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं, सरकार उनकी हितों के लिए ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब लगभग दिए, और आने वाले समय में भी जो बच्चों को जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर भी लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।